दोस्तों एक बार फिर से अर्न विद आरके में आपका स्वागत है और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आपको कुछ लेटेस्ट न्यूज़ देनी है बिटकॉइन से रिलेटेड जो पिछले वीक में हुआ है। तो आपको सबसे पहली न्यूज़ ये देता हूँ कि चाइना ने न्यू ICO अभी बैन किए हुए हैं कर दिए हैं। उसका ऑर्डर भी आ गया है कि भाई आपको न्यू ICO जो है वो लॉन्च नहीं होंगे चाइना से। और एक दूसरी न्यूज़ जो र्यूमर हो रहा है उड़ रहा है जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि आजकल बिटकॉइन की कीमत काफ़ी नीचे गिर रही है, वो न्यूज़ है कि जो लोकल एक्सचेंज है चाइना के उनको जो वहाँ की रेगुलेटरी है जो पीपल्स बैंक है चाइना की वो उनको बंद करने के लिए बंद करना चाह रही है या बंद करने जा रही है। तो मतलब ये कोई अभी कंफर्म न्यूज़ नहीं है, केवल ये एक वहाँ का न्यूज़पेपर है कॉक्सिन करके जिसने ये न्यूज़ निकाली थी कि मतलब आगे इन फ्यूचर में हो सकता है एक महीने में दो महीने में वहाँ की जो लोकल एक्सचेंज है जैसे इंडिया की एक्सचेंज है जैपे है यूनिकॉइन है ऐसी वहाँ बहुत सारी चाइना में एक्सचेंज है जो लोकल करेंसी से कन्वर्ट करती है, मतलब बिटकॉइन आप वहाँ खरीद सकते हैं आप बेच सकते हैं। तो वो एक्सचेंज जो है ये रूमर आ रहा है कि वो बंद हो सकती है, अभी कन्फर्म नहीं है अभी बंद नहीं हुई है। लेकिन क्या है कि इससे लोग डर गए और इसके डरने से क्या हुआ है कि प्राइस जो है वो आपने देखा होगा कि गिर 4,150 डॉलर पे चल रहा था, जबकि आपने देखा होगा कि पिछले हफ्ते $5,000 को क्रॉस कर गया था। तो ये इतना डाउनफॉल हुआ केवल एक र्यूमर से। तो कुछ एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा क्लेवर कंट्री है आपको पता है, तो वो जानबूझ के जो वहाँ के एक ग्रुप है जो ट्रेडर्स का ग्रुप है उन लोगों ने जानबूझ के ये र्यूमर फैलाया है कि रेट डाउन हो जिससे वो परचेज कर सके और चाइना जो है वो बिटकॉइन के ऊपर अपना एक तरीके से एक छत्र राज कर सके। तो ये भी एक्सपर्ट का कहना है कि ऐसा भी हो सकता है कि और हो भी सकता है क्योंकि चाइना पिछले जब से बिटकॉइन चालू हुआ है चाइना कम से कम ये 8 बार इस तरीके की न्यूज़ आ चुकी है, कोशिश कर चुका है कि हम बिटकॉइन के जो लोकल वो हैं उसको बंद करना चाह रहे हैं या बिटकॉइन को बैन करना चाह रहे हैं, लेकिन 8 बार ये 8वीं बार ये न्यूज़ आई है। तो इसलिए जो एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं कि ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि ये केवल डराने वाली बात है कि वो चाइना इसको बैन करेगा। अच्छा, दूसरी क्या हुआ कि आपने देखा होगा कि कल तक बिटकॉइन की कीमत आज और बहुत ज़्यादा गिरी। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न एक और है जिसमें आग में घी डालने का काम किया है, वो है एक अमेरिकन बैंकर का CEO, अमेरिकन बैंक का CEO है मिस्टर JP Morgan। JP Morgan ने सीधा सीधा बोल दिया है कि बिटकॉइन फ्रॉड है, इससे क्या हुआ। और दूसरा उन्होंने एक और अपना व्यक्तित्व दिया है कि मेरे जितने भी अगर एम्प्लॉई है अगर वो कोई बिटकॉइन में काम करता पाया गया तो वो उसको नौकरी से निकाल दे। तो कम से कम 2.5 लाख एम्प्लॉई उस बैंक में JP Morgan ग्रुप जो है उसकी बैंक में अमेरिका की मेरे हिसाब से चौथी या पांचवी बड़ी बैंक है ये। तो इसलिए ये फर्क पड़ा है वहां के लोगों में भी कि अगर कोई बहुत बड़ा बंदा इस तरीके के अगर कोई स्टेटमेंट देता है तो थोड़ा सा और डर बन जाता है। तो जिसलिए ये अभी आपने देखा हुआ 4,000 से नीचे आ गया, 4,950 4,850 ऐसे चल रहा है। अगर आप मेरी राय लेना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये एक बहुत लॉन्ग टर्म तक ऐसा कुछ होगा। हाँ, थोड़ा बहुत नीचे डिप जा सकता है लेकिन क्योंकि वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्री इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं और वर्ल्ड वाइड लोग इसको यूज़ करते हैं तो केवल एक चाइना के कहने से या एक अमेरिकन बैंकर के ये कहने से कि ये फ्रॉड है या चाइना के ये कहने से कि हम अपने एक्सचेंज बंद करने जा रहे हैं इसका असर पड़ेगा, लेकिन थोड़े टाइम के लिए पड़ेगा, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं पड़ेगा, ये फिर आगे। और ये भी हो सकता है कि इसके पीछे चाइना की चाल हो,
ये आप खुद समझ सकते हैं क्योंकि 8 बार वो पहले भी ये इस तरीके की घोषणाएं कर चुके हैं। तो दोस्तों ये रहा आज की न्यूज रही, और अब हम आपके लेके चलते हैं आपको माइनिंग के ऊपर, क्योंकि ये मैंने पिछला जो वीडियो डाला था वो माइनिंग के लिए डाला था, आपको बताया था। तो मेरे पास जो क्वेश्चंस आते हैं अक्सर वो ये क्वेश्चंस आते हैं कि माइनिंग में क्या क्या हार्डवेयर यूज होता है। तो मैं अपने दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ, अपने जो सब्सक्राइब मेरा सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल, और जो मेरे विजिटर हैं चैनल पर, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि इसका बहुत सीधा सीधा सा हार्डवेयर की इसकी लिस्ट होती है। इसमें ग्राफिक कार्ड्स लगते हैं, आप ग्राफिक कार्ड्स 4 भी लगा सकते हैं, 2 भी लगा के कर सकते हैं, आप ग्राफिक कार्ड्स 6 लगा के कर सकते हैं, 12 भी लगा सकते हैं। आजकल मदरबोर्ड ऐसे आ गए हैं कि जो ज़्यादा ग्राफिक कार्ड्स को भी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये रहती है कि 5 या 6 से आप ज़्यादा ग्राफिक कार्ड ना लगाएं, मैक्सिमम 5 या 6 की आप ग्राफिक कार्ड की रिंग बनाएं। तो मैंने आपको बताया कि इसमें एक तो ग्राफिक कार्ड यूज़ होते हैं, 6 ग्राफिक कार्ड आपने लगा दिए या 5 लगा दिए, मदरबोर्ड यूज होता है, मदरबोर्ड वो यूज होता है जो उन 6 ग्राफिक कार्ड को सपोर्ट करे। तो एक मदरबोर्ड हम यूज़ करते हैं, मदरबोर्ड की बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, आसूस बना रहा है, एस्ट्रॉक के मदरबोर्ड आ रहे हैं स्पेशल माइनिंग के लिए, MSI के आते हैं, और मतलब काफ़ी सारी गीगाबाइट के आते हैं, काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो 6 मदरबोर्ड मतलब 6 से ज़्यादा भी बनाते हैं, 8 भी मदरबोर्ड जो है वो मतलब 8 भी स्लॉट होते हैं जो ग्राफिक कार्ड को सपोर्ट करते हैं, और 12-13 भी आ रहे हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि 6 बनाओ। 6 में क्या होता है कि आपकी रिच छोटी होती है, हैंडलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप कहीं भी रख सकते हैं। दूसरा ये होता है कि अगर आपको 12 कार्ड की रिच बनानी है, तो आपने अगर 6-6 के 2 बनाए, तो अगर किसी इत्तेफाक से एक रिच बंद होती है तो आपके 6 कार्ड ही बंद होंगे आपके, ना कि 12, ठीक है, और 12 के और बाकी दूसरी रिच चल रही होती है, तो आप उसमें देख सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है, नेट की प्रॉब्लम है या लाइट की प्रॉब्लम है या उसको दोबारा रिबूट करना है, क्या करना है ये आप कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया कि मेरी रिकमेंडेशन तो ये है, बाकी आपकी मर्जी है, आप 6 की बनाएं या 12 की बनाएं या 13 की बनाएं। तो एक मैंने आपको बताया मदरबोर्ड हो गया, वो यूज होता है। दूसरा राइजर केबल होते हैं जो मदरबोर्ड से कनेक्ट होते हैं आपके कार्ड तक, उनको राइजर केबल बोलते हैं। दूसरा इसमें पावर सप्लाई यूज होती है। पावर सप्लाई कितने वाट की यूज होती है ये मैं अगले कभी वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि डिफरेंट कार्ड, डिफरेंट मॉडल के जो कार्ड हैं उनमें डिफरेंट टाइप पावर की हम पावर सप्लाई यूज़ करते हैं। कभी कहीं कुछ ऐसे कार्ड भी हैं जो 650 वाट में भी चल जाते हैं, पावर सप्लाई में चल जाते हैं, कुछ 750, कुछ 1000, कुछ 1200। तो ये मैं आपको कभी अगले वीडियो में इसको क्लियर कट बताऊंगा कि कितने वाट की आपको पावर सप्लाई चाहिए। कई बार लोग क्या करते हैं कि जरूरत नहीं होती उनको, कैलकुलेशन आता नहीं है करना, उनको चाहिए 650 वाट की, लगा लिया 1000 वाट की, तो उससे कोई फायदा नहीं है, आपकी वेस्टेज ऑफ मनी है और कुछ नहीं है उस पावर सप्लाई को लेकर। तो प्रॉपर तरीके से जानकर कि हमें कितनी पावर सप्लाई चाहिए वो लगाइए। पावर सप्लाई हो गई, उसके बाद आपको रैम चाहिए। रैम आपको नॉर्मल रैम से काम चल सकता है, 4GB की रैम ले सकते हैं, ठीक है, और आपको हार्ड डिस्क चाहिए। हार्ड डिस्क जो है वो SSD होनी चाहिए, आप 64GB की हार्ड डिस्क से आराम से माइनिंग कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है 124 की या 200 की या 600 की लगाने की, इसमें उतनी ज़रूरत नहीं होती हार्ड डिस्क की, तो 64GB हार्ड डिस्क से आप काम कर सकते हैं। दूसरा इसमें हार्ड डिस्क होगी, प्रोसेसर जो होता है वो हम नॉर्मल प्रोसेसर यूज़ करते हैं, इंटेल का सेलरॉन प्रोसेसर यूज़ किया जाता है इसके अंदर। इसमें ज़रूरी नहीं है आप i3, i5, i6 कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, माइनिंग अगर करना है तो माइनिंग करने के लिए आपको सेलरॉन प्रोसेसर लगाओ वो काफ़ी है। तो ये प्रोसेसर लगा दिया, मदरबोर्ड हो गया, रैम हो गई, आपकी हार्ड डिस्क हो गई, ठीक है, और आपको मैंने बताया राइजर केबल हो गए, और आपके कार्ड जितने आप लगाना चाहते हैं वो होता है, फिर दूसरा उसका फ्रेम होता है, चाहे वो आप एल्युमिनियम का बनाएं चाहे लकड़ी का बनाएं। मैं लकड़ी का इसलिए ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि लकड़ी का जो फ्रेम है वो एक तो इंसुलेटेड होता है, दूसरा वो जल्दी गर्म नहीं होता, ठीक है,
तीसरा एक फायदा यह है कि उसको आप जो सेल्फ ड्रिलिंग इसको आते हैं उससे बहुत आसानी से उसको टाइट कर सकते हैं उनके कार्ड्स को लकड़ी में, उसमें कोई आपको ड्रिल फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही घर पे उसको सेल्फ टिपिंग स्क्रू से आप टाइट कर दीजिए उनको और जब चाहें तब खोल भी सकते हैं। तो बहुत आसान होता है लकड़ी के उसके काम में और हल्का भी होता है, आपको लाने ले जाने में भी वजन में भी कम होता है। तो ये होता है, बाकी इसमें कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं जो हम लोग माइनिंग करते हैं, वो मैं किसी अगले वीडियो में आपको और डिटेल से बताऊंगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो मैं भी शॉर्ट करता हूं आप लोगों के लिए, आगे फिर बताऊंगा। एक बार और क्वेश्चन ये भी आता है कि प्रॉफिट कितना होता है हम माइनिंग करते हैं, तो मैंने ये आपको बताया था पिछले वीडियो में भी कि प्रॉफिट जो है वो कोई फिक्स नहीं है कितना होता है, इसके बारे में मैं फिर कभी आगे डिटेल में आपसे बात करूंगा कि प्रॉफिट कितना होता है। बार बार मेरे से ये क्वेश्चन पूछा जाता है फोन करके कि प्रॉफिट कितना होता है, तो मेरा वीडियो देखें, पिछला वीडियो देखें, और अगर फिर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे फ़ोन करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अननेसेसरी मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे व्हाट्सअप करें और मुझसे टाइम लें तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। जी धन्यवाद।